हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम एक अनजान जगह आ चुके हैं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये हम कोई अनजान जगह आ गए, भटकते भटकते पता नहीं मुझे इस जगह का क्या नाम है। और इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त अमन, ये ना बहुत अच्छी शायरी सुनाता है, बट अभी सुनाने का मन नहीं है, ये थोड़ी आगे जा कर सुनाएगा, सुनना इसकी शायरी। तो अभी पता नहीं हम कहाँ गए, देखो यहाँ पे एक टैंकर रखा है पानी का ख़राब, और यहाँ से एक गली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, पता नहीं है कौन सी गली है। और वहाँ पे हमने एक रोड की खोज कर ली है, ये देखो वहाँ पे दूसरी रोड मिलती है हमको, पता नहीं कौन सी रोड है। तो हम आगे जाके देखते हैं, हम आपको सीधा आगे मिलते हैं, आइए हमारे साथ। तो गाइस, हम इस रोड पर निकल के देखो यहाँ पर आ चुके हैं, हमको ये स्कूल मिला है। इस स्कूल का नाम है ऋषि गालव पब्लिक स्कूल। तो हम ऋषि गालव पब्लिक स्कूल पे आ गए हैं। यहाँ पे ये पीछे रोड है और यहाँ पे वो आगे रोड है। तो हम देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो, वहाँ पे कितनी सारी ग्रीनरी है। और ये एक अंकल है, उनके हाथ में भैंस है। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये देखो भैंस, और वहाँ पर देखो कितनी सारी ग्रीनरी है। तो हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कौन सी रास्ते पे आते हैं हम। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। देखो मैं आपको ना टैंक दिखाता हूँ, टैंक जहाँ पे बॉर्डरों में लड़ाई होती है ना, वहाँ के टैंक दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये देखा, तो फ्रेंड्स वो देखो, वो रखे हैं सारे टैंक की टैंक, वहाँ पर आर्मी वालों के टैंक रखे हैं जो कि बॉर्डरों में जाते हैं। ये देखो आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे ना पूरा मिलिट्री एरिया लगता है, पता नहीं कौन सी बार है, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। ये देखो आप देख ही सकते हो, वो टैंक रखे थे सारे। और चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखो चलते चलते इतने आगे आ गए हैं, ये रोड कहीं और जाती है, बट हम इस रोड पर जा रहे हैं। और हमको ये गन्ने का जूस वाला मिला है, तो हमने उससे पूछा, तो उसने बताया ये रोड पर जाओ, तो हम ना ये रोड पर जा रहे हैं। तो गाइस, वहाँ से चल चल के हमको एक पार्क मिला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो हम उसमें आ चुके हैं। तो देखो मैं आपको दिखा दूँगा, पूरा बड़ा पार्क है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप पूरा, देखो कितना बड़ा पार्क है ये। तो यहाँ को हमने बहुत बड़ा पार्क देख लिया है, यहाँ पे अभी कोई नहीं है क्योंकि दिन का टाइम है, तो धूप है काफ़ी, तो कोई नहीं है। तो पहले बैठने की जगह देखते हैं, फिर बैठते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस, हमको एक बैठने के लिए जगह मिल गई है, ये पेड़ है छोटा सा, तो इसके पास हम बैठे हैं। तो मैंने कहा था ये भाई मेरा शायरी बहुत अच्छी सुनाता है, तो एक शायरी हो जाए ज़रा। तो अमन भाई यार, एक शायरी सुना दो यार। लो भाई सुनो, अर्ज़ किया है, चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है। चांद को चोर देखता है, सूरज को मोर देखता है, हमको बहुत बुरा लगता है, जाने मन जब आपको कोई और देखता है। अरे वाह 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 वाह, क्या शायरी है यार। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में भी बताना। तो यार, शायरी सुन के मेरा मन करने लगा कि एक और। तो अमन भाई, एक शायरी और हो जाए यार, कॉमेडी की चलेगी? हाँ कॉमेडी की चलेगी, सुनाओ जरा। अर्ज किया है, बेबी तेरी जुल्फे जैसे रात का अंधेरा, बेबी तेरी जुल्फे जैसे रात का अंधेरा, हो जाओ आज तुम गंजी और कर दो सवेरा। तो वाह यार, ये शायरी मुझे पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, आपने शायरी सुनी ली होंगी, तो आपको भी अच्छी लगी होंगी। और जिस पार्क में बैठा हूँ, वो पार्क ही मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा, काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और दिन का टाइम है तो कोई है नहीं। तो आज का ब्लॉग मेरे यहीं पर कम्प्लीट होता है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।